अंगेज से डायरेक्शन लेना इज़ ऑलवेज रिस्कीस्ट बैट है ना अंगेज द डायरेक्शन जाना बहुत रिस्की होता है अब नीचे ऐसा मारे अभी ऊपर चलेगा <laughs> मुझे बाय करना है मैं यहाँ पे वाई फाई पर क्लिक करिए अपने फ़ोन पे इसको कनेक्ट करिए वन क्लिक में यहाँ पूरी पूरी क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ वन क्लिक में आप पूरी पूरी क्वांटिटी सेल कर सकता हूँ दिस इज़ अन बेस्ट पार्ट फॉर स्कैल्पर जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे दोस्तों लाइव स्कैल्पिंग सीरीज का एक और वीडियो आप लोग के आ चुका है दोस्तों अगर आप दो चार पाँच दस परसेंट पर काम करते हो तो आप साइडवेज और चौपी मार्केट में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके घर जा सकते हो यही है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि तो आज की मार्केट आपने देखी होगी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और पूरा का पूरा बैंक निफ्टी एक तरीके से चौपी रहा रेंज में था दोनों साइड बायर्स को मारा और एट द एंड ऑफ द डे सेलर्स को सारा पैसा उसने दिया है ठीक है लेकिन अगर आप ऑप्शन बैर और ट्रेड को होल्ड करते हो तो ऐसे मार्केट में सर्वाइव कर पाना बहुत टफ हो जाता है लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग आती है स्कैल्पिंग की टेक्निक्स आती हैं आपको पता है किस मार्केट में कैसे काम करना है और कैसे मार्केट में आपको कौन कौन सी स्कैल्पिंग टेक्निक्स मैथड्स को यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के घर निकलोगे वही मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल नोटिफिकेशन को दबा दो क्योंकि यहाँ पर जो लाइव मार्केट में जो प्रैक्टिकल नॉलेज अपन गेन करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेंद कर, करते हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि मैं डेली एक्टिवली यहाँ पर ट्रेड करता हूँ ठीक है डेली ट्रेड्स का मेरा जो लिंक है वेरीफाइड लिंक नीचे सेंसबल पर डेली अपडेट होता है आप वहाँ मेरे को फॉलो कर सकते हैं बाकी जो लोग स्कैल्पिंग की टेक्निक्स मेथड्स को मास्टर करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक लाइव अपनी मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ जो कि एक सेप्टेम्बर से लेकर तीस सेप्टेम्बर तक लाइव रहने वाला है लाइव बैच रहने वाला एक मंथ मंथ का और अगर आपको इसका टेस्ट मेमोनियल लेना है आप मेरा जो रिसेंट मैंने वर्कशॉप कराई थी जिसका फीडबैक काफ़ी ज़बरदस्त था उसको आप चेकआउट कर सकते हो उसको देख सकते हैं वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ अपन क्या क्या, -क्या चीज़ें सीखने वाले हैं क्या अपने को ने सीखने को मिल सकती है और किस तरीके से आप लोग वहाँ पर मेरे से चीज़ें सीखोगे ठीक है और इसी के साथ अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर आपको एक फ्लैट थर्टी का कूपन कोड मिल जाएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है बाकी पूरा वीडियो एंड तक देखो सो गाइस मेरा यहाँ पर प्लान रहेगा खुलते ही खुलते ही मेरे को एक बहुत अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दिख रही है अब देखो सबके सब कल भी सेम चीज़ हुआ था गैप अप फिर सेलिंग प्रेशर आज थोड़ा सा हो सकता है गैप अप एक बाइंग अपने को देखने को मिल जाए फिर स्टॉप लॉस से स्टेक रहूँगी सो तो खुलते ही मेरा प्लान है मैं एक कॉल साइड का अगर मेरे को पोजिशन मिल जाता है पचास तीन सौ क्योंकि दो सौ के आसपास खुल रहा है पचास तीन सौ एक कॉल साइड की पोजिशन तो मैं खुलते ही बनाने की कोशिश करूँगा सो एज़ खुलते ही मैंने आप पोशन बनाया था बट वो नहीं है जो मेरे को स्पाइक चाहिए लाख तो रुपये के ऊपर का प्रॉफिट भी दिखाया बट छब्बीस के प्रॉफिट में है मैं यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि नहीं आ रहा तो स्पाइक जो चाहिए वो नहीं आया है अपने को ठीक है वन फिफ्टी के आसपास का मेरे को बाइंग बाइंग की प्लानिंग था राइट सो वो नहीं मिला मेरे को जो चाहिए था एकदम खुलते ही एक स्पाइक एंट्री एंड बूम करके जो एक मूवमेंट आता है ना वो नहीं दिया इसने सो लाख रुपए के ऊपर भी दिखा रहा था बट कुछ खास ऐसा आया नहीं आप देखोगे तो इसमें मेरा एवरेज एवरेज बाइंग प्राइस क्या है मेरा बाई प्राइस वन फिफ्टी वन फिफ्टी कैसे दे दिया इसने मेरे को वन फिफ्टी का तो अपना कुछ था ही नहीं बाइंग प्राइस ठीक है तो खुलते ही मेरा था एक स्पाइक ऊपर को देने का लेकिन ये नहीं दे रहा क्योंकि हो सकता है कुछ सेलिंग के लिए कैंडल्स में कुछ आ ही नहीं रहा दम नहीं है सो ये ओपनिंग स्केल्प होता है ओपनिंग स्केल्प आप करते हो तो थोड़ा रिस्की भी होता है नहीं काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी ओपनिंग स्केल्प रहता है सो देखते हैं इस जगह पे एक छोटा सा पुल बैग स्केल्प मैंने यहाँ पर लिया था और इसमें मैंने दो स्ट्राइक प्राइस की फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड और इसका नीचे ब्रेक करके जब आए तो इसका पुल बैग देने गया था अराउंड नाइन ई के आसपास ठीक है नाइन एंड ट्वेंटी ई एम ए नाइन एम ए दोनों के दोनों जो ई एम एज हैं आप देखोगे ठीक है थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है इन ई एम के बीच में तो इसको क्रॉस करना बहुत टफ होता है इसलिए मैंने यहाँ पे वन हंड हंड्रेड के आसपास उठाया उठा था हंड्रेड से ट्वेंटी भी गया लेकिन मैं इस, ये आउट ऑफ द मनी था तो मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया एंड ये वाला जो है अभी आप देखोगे ये आठ सौ के आसपास है मतलब एक तरीके से नियर अराउंड एड द मनी सो इसको भी अपन वन ट्वेंटी फाइव के आसपास बाय किए थे वन फी के आसपास कुछ निकाला है मैंने इसको मैनुअली एग्जिट किया पूरी क्वान्टिटी को सो अपना जो प्रॉफिट है टर्न आउट हो चुका है अराउंड सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ के आसपास का अपना प्रॉफिट अभी बन चुका है ठीक है और नीचे आ रहा है बट रुक गया मैंने थोड़ा लेट लिया और यहाँ से यहाँ तक का फॉल आ चुका है प्रीमियम फॉलो थ्रू देते देते भाग गए पूरे के पूरे ठीक है सो अभी देखते हैं एक छोटा स्कैल्प और अपन ने बनाया तो अपना जो नेट प्रॉफिट अभी आ चुका है सेवेंटी थाउजेंड के आसपास बन चुका है तो वैसे एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है वो है आर एस आई का डाइवर्जन आप देखोगे सो यहाँ पर आर एस आई डाइवर्जन भी मेरे को दिख रहा है ठीक है सो अभी तक मेरा कोई एक्यूरेट ट्रेड नहीं बना है ये देखो ये दिसन डाइवर्जन है यहाँ पर अभी डाउन साइड आया है प्राइस पर यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी ये वन मिनट में दिस इज एन डाइवर्जन और अगर इसको मैं थोड़ा सा पाँच मिनट में चेंज कर दूँ तो क्या देखेगा देखते हैं फाइव मिनट में भी नहीं वन टू कैंडल हम्म हाँ फाइव मिनट में उतना कुछ नहीं बट वन मिनट में डायवर्जन है ठीक है सो देखते हैं अभी कुछ बढ़िया मिलेगा तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आया बट प्रीमियम में पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा मतलब चालीस का एक सौ साठ तो गया नहीं आ रहा मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा है पता नहीं क्या ये देखो ये प्रीमियम्स जो है ना प्रीयम के मूवमेंट्स अगर आप देखोगे तो डोजी 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 मूवमेंट ज़्यादा है वेरी वेरी डोजी डोजी मूवमेंट डोजी डोजी मूवमेंट में ना फिर मज़ा नहीं आता एक तो वीक्स हमारा बड़ा हुआ है और वॉलेटलिटी भी है पीक पे कल भी यही हुआ था नीचे गैप डाउन खुला फिर प्रीमियम खड़ा हो गया यहाँ से साठ से एक सौ साठ चला गया दो सौ अस्सी चला गया और वही यहाँ पर भी देखो चालीस से एक सौ तीस एक सौ तेरह चौदह आज जा चुका है अगेन वो प्रीमियम सौ से एक ऊपर चला गया है सो तो है यहाँ पर एक रिवर्सल टाइप का पैटर्न निफ्टी भी दे रहा है और मिड कैप भी दे रहा है पिन निफ्टी भी दे रहा है और मेरे को जानता जा रहा है बैंक निफ्टी भी निफ्टी निफ्टी बैंक ओके बैंक भी दे रहा है सो तो लेट्स गो करते हैं कुछ फाइनली रिवर्सल आया है कुछ रिवर्सल है। तो रिवर्सल होगा करें इसको भरने की प्लानिंग बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं एट्टी सेवन रिवर्सल के लिए ना थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा तभी होगा ना मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि एक कैंडल निकाल इसने ऊपर को दे दिया आधे से डायवर्जन भी था तो भी ऊपर गया है बट इस डायरेक्शन जाना ना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं देना निफ्टी बहुत सही है निफ्टी में जाया जा सकता है क्योंकि निफ्टी नीचे नहीं आया आज ओके तो निफ्टी कोशिश करता हूँ निफ्टी को भरने की बिकाज़ तो वही अपना डाइवर्जन और यहाँ से प्राइस ऊपर निकलती है अपन ने यहाँ पर एंट्री बना ली थी जो कि अपना स्ट्राइक प्राइस है फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड इस पर अपना छोटा सा था क्योंकि रिवर्सल है रिवर्सल ट्रेड तो ऐसे चलना तो चाहिए बट ये मार्केट पर अब बीश है तो आप अगेंस्ट द डायरेक्शन अगर कभी भी ट्रेड लेके जाते तो क्वान्टिटी कम होना चाहिए तो इसमें अराउंड मेरा थर्टी सेवन थाउजेंड बना हुआ है कॉल साइड में तो एक अच्छा स्पाइक इस इस्पाइक को यहाँ पर मिला था ठीक है एक ये वाला जो कि इस कैंडल के आसपास अपन ने इस माइनटी बना ली थी इस, इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लोगों मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया था इसका रीज़न ये है कि जो आपका वन मिनट में है ना यहाँ पर आप देखो बहुत उस टाइप की कैंडल बनी है एक तरीके की डोजी टाइम टेम्बल एक तरीके थोड़ा सा विक वाला कैंडल बना हुआ है बट यहाँ पर कोई विक टाइप का कैंडल नहीं बना हुआ है इस जगह पर ठीक है तो इसीलिए अपन ने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई और एक स्केल्प अपने को क्विक एक मूवमेंट मिल गया अभी मैं जीरो पर ही ट्रेड किया हूँ ठीक है तो बहुत क्विक था बहुत क्विक एक मूवेंट इसी मूवेंट में निकल गया राइट सो so, मैं वेट करता हूँ क्योंकि मेरे को अगेंस्ट द डायरेक्शन जाने में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है डायरेक्शन की साइड में ट्रेड को लेके बैठ सकता हूँ बट अगेंस्ट द डायरेक्शन लेके जाना थोड़ा सा रिस्की है जब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलती निफ्टी बहुत अच्छा चल रहा है निफ्टी एक डाउन साइड मोमेंटम दिया यहाँ पर थोड़ी देर होल्ट किया नाइनटी ये मेरे के आस सपोर्ट लिया बिग बार बनाया एक अच्छा खासा मूव दे दिया इसने ऊपर को जब प्रीमियम है ऑलमोस्ट अस्सी से इसने सौ का एक कैंडल में है सौ से एक सौ पचास एक सौ साठ ऑलमोस्ट यहाँ एक सौ चालीस के आसपास का कैंडल्स ने सिर्फ एक सिंगल बिग बात पर दे दिया है ठीक है सो so, यही है अभी अभी तक का ट्रेड अभी देखते हैं और कोई स्कैल्पिंग छोटे मोटे बन जाए तो सो इसी इसीलिए मैं यहाँ आप, पर आपको बोल रहा था कि जो है ना अंगेज से डायरेक्शन लेना इज ऑलवेज रिस्कीस्ट बेट रिस्कीस्ट है ना अंगेज द डायरेक्शन जाना बहुत रिस्की होता है अब नीचे ऐसा मारे अभी ऊपर चलाएगा <laughs> <laughs> क्योंकि ये सपोर्ट जोन है बाई डिमांड जोन है भाई यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन है दिस इज एन डिमांड जोन और इसको तोड़ता है तो फिर पड़ सकता है नीचे तो पहले इसको मारने दो नीचे ऊपर जितने स्टॉप लॉसेस थे पुट के मेरे को लगी रहता था पुट का प्रीमियम फटेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट एकदम ट्वेंटी में से चिपक के चल रहा है एकदम से फटा देखो सत्तर से सीधे एक सौ बीस वही निफ्टी ने भी किया है देखो अपसाइड फिर ये नीचे अभी डिमांड जोन पे अगर रुकता है तो ठीक है नहीं रुकता है, तो ये भी पलट जाएगा ये देखो कॉल पूरी की पूरी पलट गई ना इसीलिए अंगेज द डायरेक्शन लेके जाना इज़ ऑलवेज अ रिस्कीस्ट बेट ऑलवेज रिस्कीस्ट सो so, यहाँ पर देखते हैं अगर रुकेगा तो वेल एंड गुड यहाँ पर अपसाइड के लिए अपन देखा जाएगा नहीं रुकेगा तो फिर अपना वही डाउन साइड वेट करते हैं अब अब जो ट्रेड होगा मेरा वो धन पा होगा जोदाम मेरा हो चुका है मैंने कर लिया है और एक लाख सात हज़ार यहाँ पर मेरे बन चुके हैं बाकी जो धन वन पर जिसको अकाउंट ओपन करना है वो ओपन कर सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन में क्योंकि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ भाई मेरे को क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरे को यहाँ से ऑर्डर्स इसमें मैं ट्रेड करता हूँ मेरे में बहुत एक तरीके का एक तरीके से आप कह सकते हो मैं बहुत लॉयल कस्टमर आऊँ मतलब एक तरह से लॉयल यूजरूँ बट मेरे को फ़ोन से देखना अभी तक मैं जितने ट्रेड किए फ़ोन से किए रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ आप मेरे बहुत दिक्कत होती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे को फेस करनी पड़ती है सो so, वो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि तो, मेरे को जब यहाँ पर वन क्लिक ऑर्डर मार के मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर मुझे बाय करना है मैं यहाँ पर वाईफाई पर क्लिक करिए अपने फ़ोन पर इसको कनेक्ट करिए वन क्लिक में यहाँ पर पूरी पूरी क्वान्टिटी बाय कर सकता हूँ वन क्लिक मूरी की पूरी क्वान्टिटी सेल कर सकता हूँ दिस इज़ एन बेस्ट पार्ट फॉर स्केल इससे ज़्यादा स्केल को क्या चाहिए और और यहाँ पर मेरे को मैनुअली चीज़ें करनी पड़ रही हैं पूरा का पूरा मेनुअली करना पड़ रहा है मेरे को आपने देखा होगा अगर बास्केट नहीं लगाया तो फिर मुझे पूरा क्वांटिटी को मेनुअली एग्जिट करना पड़ेगा इट मींस ब्रोकर चाह ही नहीं रहा कि भैया हम यहाँ पर पैसा कमाएँ यहाँ पर रिटेलर पैसा कमाएँ है नहीं क्योंकि वो फ़ीचर ही नहीं दे रहा है अगर तो जब जब अगर आप आप नहीं चाहोगे पैसा कमाएँ और आप फीचर नहीं दोगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा अपने को सिंपल सी बात है अपने को इस आपको कट करना पड़ेगा ठीक है जहाँ पर मेरे को बेस्ट फीचर है मेरे को वहाँ पर स्विच होना पड़ेगा और अभी देखोगे बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन के साइड आई थिंक आया कुछ मोमेंट बट नहीं पुट ऑप्शन भाग नहीं बट रुक गया यहाँ पर इस बहुत अच्छा डिमांड जोन है यहाँ पर देखते हैं सो तो अपन शिफ्ट कर जाएंगे अपने आप को और मैं शिफ्ट कर रहा हूँ और आई थिंक मेरा आई थिंक पर मे बी लास्ट रहेगा आज या कल इस वीक का फिर उसके बाद मैं इस पर ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा जितना रहेगा इन्वेस्टमेंट जो भी है छोटा मोटा अपने आप रहता है है ना जो इन्वेस्टमेंट पड़ी उसको रख के भूल जाऊँगा मैं कुछ सालों के लिए सो so, मैं प्रॉपरली यहाँ पर धन पर ही शिफ्ट हो रहा हूँ और इसी पर ही अपन काम करेंगे ठीक है और क्योंकि फीचर्स हैं ना यार फीचर एक से बढ़कर एक फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मैं एक इन डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा तो जो लोग आप अपना अकाउंट ओपन करें नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है बाकी बिटकॉइन भी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे को यहाँ पर ट्रेड वेड लेना है है ना मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे को सैटे मिल जाए मैं वन आवर टाइम में फ्यूचर लेके बैठूंगा सो so, डेल्टा एक्सचेंज जो क्रिप्टोज के अंदर ऑप्शन या फ्यूचर में काम करना चाहते हैं और नीचे डेल्टा एक्सचेंज का भी मैंने लिंक के दिया है आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ठीक है सो so, काफी सही स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है और देखो एक चैनल बनाया हुआ है इसने और और चैनल का अगर ये इसने एक पोल बनाया है। फिर अभी एक फ्लैग टाइप का एक चैनल बना रहा है ब्रेकडाउन होता है तो हमारे मेरे पास सीधा टारगेट है नीचे का सीधा नीचे का टारगेट है एक बार यहाँ पर टेस्ट करने आ सकता है अगर डाउन होता है ब्रेकआउट होता है तो फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है तो मेरे को कोई ट्रेड अभी सेटअप देख नहीं रहा और ना इसके ऊपर का टाइग टारगेट इधर कहीं पे ही है निकलता है और जहाँ तक निकलने की प्रॉवर्टी मेरे को थोड़ा सा कम लग रही है क्योंकि चैनल बना रहा गया है ऊपर तो गया लेकिन बहुत स्लो जा रहा है बहुत स्लो फास्ट मोमेंटम जब इसके ऊपर निकलेगा इस लाइन के ऊपर तभी आएगा ठीक है तो अपन जो लोग इंडियन मार्केट में काम नहीं कर पाते वो लोग करना चाहते हैं इस पर कर सकते हैं सिंपल से आपको लेवरेज मार्जिन बहुत अच्छा मिल जाता है भाई यहाँ पर सो आई एम वेटिंग कि कहीं पर कुछ हो कहीं पर ट्रेड मिले अभी निकला है ब्रेक डाउन वापस है वही अपने सेम सपोर्ट एरिया के आसपास पास ही आ चुका है सो क्या मार्केट में कुछ भी ऐसा खास आज है नहीं पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज हो गया जितने भी स्केल्प के सब बहुत छोटे स्केल्प बहुत छोटा एक धन पे भी पकड़ा था लेकिन इस पर पूरा मैं पकड़ पाया बहुत ही छोटा सा स्कैल्प अपन ने यहाँ पे भी किया क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके निकला था बट कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं और धन पर देर इज नो ट्रेड फॉर टूडे पोजिशन देंगे दे इज नो ट्रेड अपन इस पर करेंगे अब और मैं आई थिंक इस वीकेंड से पूरा का पूरा अपना जो फंड है जो मैं ट्रेड करता हूँ इस पर शिफ्ट हो जाऊँगा और मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ अगर आप देखोगे दिस इज़ निफ्टी क्योंकि जो, जो कि रेंज में फंसा ही हुआ है मतलब टोटली रेंज में फंसा हुआ है कुछ खास मेरे को आज ऐसा ट्रेड करने लायक कुछ ऐसा मिला मिले देखो ये बस आज साइडवेज की एक्सपेक्टेशन मुझे ज़्यादा थी इसीलिए मैं कोई भी मतलब कोई भी मतलब ट्रेड को ना किसी में मेरा दस बीस बीस तीस तीस बीस परसेंट से ऊपर का कुछ भी नहीं हुआ दस पाँच परसेंट दस परसेंट का स्केल्पन ने यहाँ पर किए हैं जो भी किए हैं और वही बैंक निफ्टी की बात करें देखो उसका भी सेम है सेम रेंज बना रखा है नीचे से एक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है कल से उसी पर टिका हुआ है ठीक है सो दे इज नथिंग लेफ्ट इन टू डेज मार्केट कुछ भी करने का रह नहीं गया है कुछ भी करने का करने का ऐसा है भी नहीं मार्केट के अंदर तो पूरा रेंज में है ठीक है सो so, अभी जो करंट पोजिशन है अपना एक लाख छब्बीस हज़ार के आसपास बना हुआ है राइट right. सो so, अपना छोटे मोटे सिर्फ स्केल्प स्केल्प स्कैल्प स्केल्प, स्केल्पिंग करके ऐसे ऐसे ऊपर चौपी मार्केट में अपन ने बनाया है और अभी कल अपना ही लॉस था आई थिंक आज वही प्रॉफिट है दो दो चार दिन से लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही मैं चल रहा हूँ है नहीं और धन पर मेरा कुछ दिनों से मतलब अपना यहाँ पर अगर उसमें देखेंगे इस पर मेरा फंड नौ दस लाख रुपये तो पड़ा हुआ है ठीक है सो तो अभी ये मंथ है इस मंथ के अंदर मैंने एक ही ट्रेड किया हुआ है अभी तक परसों जो उसने किया था मेरा पचपन हज़ार का लॉस था इसमें उसके अलावा कोई ऐसा कुछ भी ट्रेड अभी मैंने नहीं किया सो so, अभी इसमें करेंगे राइट सो right. यही so, चल रहा है अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है मैं आज का ट्रेड यहीं पे क्लोज़ करता हूँ दिन यहीं पे क्लोज़ करते हैं बहुत एक लाख छब्बीस हज़ार रुपये छोटे मोटे स्केल्प कर कर करके बन गए और क्या चाहिए ठीक है so, तो इसको सब स्मॉल रेंज अब वही आपको डिसाइड करना पड़ता है कि स्केल्पिंग कब कितनी करनी है कहाँ पर निकलना है क्योंकि रेंज आज मार्केट की एक्सपेक्टेशन ही मेरा वो था कि साइडवेज ज़्यादा हो जाएगा या तो फर्स्ट मॉर्निंग में मैंने जो ओपन स्कैल्प लिया मेरे को चाहिए था कि अगर बैंक निफ्टी ओपन दे रहा हो रहा है तो अपनी होते एक, एक खड़ी बुलिश कैंडल बना दे उसके बाद कुछ भी कर तो उसी को मैं पकड़ना चाहता था बट वो मेरा फेल हो गया नहीं चला इसलिए मैंने उसको टाइम से कट कर दिया ठीक है और उसी के साथ अपना जो भी ट्रेड थे जब छोटे मोटे ट्रेड्स थे जो भी प्लान किए सिर्फ सिर्फ जस्ट स्के पाँच दस परसेंट का स्केल्प और कुछ नहीं ठीक है तो जब साइडवेज मार्केट होता है तब आपको ज़्यादा बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन कभी रखनी नहीं चाहिए मार्केट में छोटा मोटा स्कैल्पिंग करके अगर कुछ भी बन रहा है उसमें ही खुश हो उसी में ही सेटिसफाइड रहो क्योंकि साइडवेज में आप काम कर रहे हो और साइडवाइज में अगर आप, आप पैसा बना रहे हो आपको बन रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है है नी आप उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा खाने के चक्कर में मत रहा करो कि यार मेरे को पूरा का पूरा चाहिए पूरा का पूरा भरना ही भरना है आज भी कमाने नहीं कमाने के पीछे भागोगे मार्केट में मार्केट आपको बहुत बुरा डेंट दे देगा बहुत बुरा लपेट देगा ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे आज का ट्रेड यहीं पे क्लोज करते हैं दिस इज द फाइनल वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्रोफिट जो कि सिर्फ और सिर्फ स्कैल पर रे बनाया है पाँच दस पाँच दस परसेंट पाँच दस परसेंट और कुछ भी नहीं इसमें अगर ब्रोकेज की बात करें तो मेरा ब्रोकेज इसमें ऑलमोस्ट जाएगा शायर कितना मेरा यहाँ पर एक बार इधर कॉन्ट्रैक्ट में दिखाता है ब्रोकेज में जाएगा अराउंड नाइन थाउजेंड की अप्रोक्स मतलब ब्रोकेज नहीं ओवरऑल चार्जेस सो नाइन थाउजेंड की अप्रोसी ओवरऑल मेरे इसमें चार्जेस ज्यादा क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स एक दो तीन चार पाँच हैं हाँ तो टू थाउजेंड पर ट्रेड पर उसमें अगर मैं मान लेता हूँ चार्जेस तो मेरा इतना जाएगा ही जाएगा ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे डे शॉपिंग मार्केट नथिंग टू डू सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा बेसिकली आज की वीडियो में कोई ऐसा सिंपल किसी भी ट्रेड का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इट्स जस्ट स्कैल्प जहाँ पर मेरे को कुछ स्कैल्पिंग सेटअप देखा मैंने वहाँ पर सिर्फ स्कैल्प किया और छोटा मोटा दो चार पाँच दस परसेंट से ऊपर कहीं पर भी काम नहीं किया स्टिल मैंने एक लाख बीस पच्चीस हज़ार रुपये के आसपास का कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया है ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज की वीडियो में पहला चीज कि छोटे मोटे प्रॉफिट्स में भी अगर आप काम करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी साइडवेज मार्केट में सर्वाइव करने में दूसरा जो मेरे ट्रेड्स आपने देखे मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग देखी अब आप आपने, आपने देखा होगा कि, कि मैं ट्रेड्स को मैनुअली कट कर रहा हूँ या मुझे बास्केट बनाना पड़ रहा है ठीक है वन क्लिक में, में मेरे को कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है और एक ऑप्शन ऑप्शन का जो स्कैल्पर होता है उसको क्या चाहिए होता है मैं अगर स्कैल्पर हूँ मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए एग्जीक्यूशन स्पीड मुझे चाहिए कि अगर मैं ट्रेड जा रहा हूँ मेरे को यहाँ पर एक हज़ार क्वानिटी दस हज़ार क्वान्टीटीटी बीस हज़ार पचास हजार क्वांटीटी डालनी है मैं एक क्लिक मारूँ मेरी पूरी क्वानिटिटी क्या बोलते हैं ट्रेड में एंटर हो जाए मैं मेरे को लॉस हो रहा है मैं एक क्लिक मार मारूँ मेरी पूरी पूरी की पूरी क्वान्टिटी ट्रेड से एग्जिट हो जाए मेरे को वहाँ पर इतना ज़्यादा बास्केट बनाने पर मैनुअली एग्जिट करने पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े सो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था आज की वीडियो से है ना कि आपको एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी अच्छी चाहिए और मैं अपना एक ट्रेडिशनल ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से 2020 से बट ये चीज अब यहाँ पर अपडेटेड नहीं हो रही अपग्रेड नहीं की जा रही है सो बेसिकली मेरे को इसको क्विट करना पड़ेगा मेरे को स्विच करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को हाई एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए और हाई एग्जीक्यूशन स्पीड मेरे को यहाँ पर धन प्रोवाइड कर रहा है सो बेसिकली फ्रॉम टुमारो अपने जो जितने भी एक्टिव ट्रेडिंग ट्रेडिंग रहेगी एक्टिव ट्रेड्स रहेंगे मोस्ट प्रॉब्लली धन पर रहेंगे और आप एक चीज़ डिफरेंस देख लेना कि जो यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्पीड है और यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्पीड है मेरी उस पर बहुत ज़्यादा डिफेंस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर अगर इतना ले मतलब लेट मेरा एग्जीक्यूशन होता है इसके बावजूद मैं यहाँ पर प्रॉफिट बना के निकल रहा हूँ तो अगर मेरा एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाता है है नहीं तो खुद सोचो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों की दोनों बढ़ जाएगी इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको अगर आप स्केल्प हो तो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म अपना चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी फास्ट ठीक है सो so, यही मैं आज की वीडियो से आपको बताना चाहता था बाकी छोटे मोटे प्रॉफिट्स भी अगर आप बनाओगे तो स्टिल आप कुछ ना कुछ बना के निकल सकते हो और ऐसा नहीं है कि मेरा किसी दिन अच्छा ही ट्रेड देगा चलेगा तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगा कि यार देखो आज मेरा अच्छा ट्रेड सेटअप यही इससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी एक उस दिन ठीक है अच्छा आपका ट्रेड सेटअप आप चला उस दिन आपने सब मेरा प्रॉफिट बन गया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ये मैंने ऐसे ऐसे काम किया था लेकिन मार्केट में तो पाँच के पाँच दिन काम हो रहा है मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू फ्राइडे मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ आपको कैसे पता वो चीज़ भी जानना जरूरी है कि हाँ हम किस दिन किस दिन किस तरीके की स्केल्प कर रहे हैं किस दिन कैसे काम कर रहे हैं वो भी जानना जरूरी है ठीक है तो इसलिए मैंने आज का वीडियो आपके साथ शेयर किया बेसिकली इस वीडियो में इतना ज़्यादा कुछ ट्रेड्स मेरे रिकॉर्ड नहीं हो पाए तो मैं आपको आज का वीडियो सिर्फ फ़ोन से, से मैनुअली चीज़ें करके दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ कैसे मैनुअली अगर आप काम करते हो आपका सिस्टम फास्ट नहीं है आपका टर्मिनल फास्ट नहीं है आपका एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है तो जितना जल्दी हो सके अपने जो अपना सिस्टम है जिस अगर आप किसी पर भी स्कैल्प कर रहे हो तो मेक श्योर आपका सिस्टम है। और एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए वो आपकी स्कैल्पिंग में डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा सो आई होप गाइज आपको कुछ समझ में आएंगे बाकी जो लोग अपना स्कैल्पिंग का जो मास्टर क्लास है ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन वर्कशॉप भी आप उससे पहले टेस्ट मोरियनल के लिए देख सकते हैं वहाँ पर आपको फ्लैट थर्टी परसेंट का कूपन कोड मिल जाएगा ठीक है सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल ड बाबा सी यू जय हिंद